आज हम लोग विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। ये जल में विलेय विटामिन है, इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ये दो रूपों में पाया जाता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि अपचयित फॉर्म में है, और एल डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड जो कि ऑक्सीकृत रूप में पाया जाता है। अपचयित फॉर्म के जो दो हाइड्रोक्सिल समूह है वो हाइड्रोजन दे देते हैं और वह ऑक्सीकृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अच्छे स्रोत हैं जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा, मौसमी इत्यादि, पपीते में, पत्ता गोभी में भी पाया जाता है, और आंवला सबसे अच्छा स्रोत इसका होता है। यदि हम विटामिन सी युक्त भोजन को पकाते हैं तो विटामिन सी सक्रियता नष्ट हो जाती है। चयापचयी कार में जो ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में भाग लेता है, ये परिपक्व कोलेजन के संश्लेषण में सहायक होता है, क्योंकि ये अपरिपक्व या पूर्व कोलेजन में उपस्थित प्रोलीन और लाइसीन के हाइड्रोक्सिलीकरण क्रिया के लिए आवश्यक होता है। यदि ये अनुपस्थित होगा तो ये हाइड्रोक्सिलीकरण क्रिया नहीं हो पाएगी और परिपक्व कोलेजन नहीं बन पाएगा। क्रिया इस प्रकार से होती है, प्रोलीन जो कि प्रोटोकोलेजन में उपस्थित है उस पर प्रोटोकोलेजन प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम क्रिया करती है। इस एंजाइम को अपनी सक्रियता के लिए विटामिन सी, फेरस और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हाइड्रोक्सी प्रोलीन निर्मित होता है। फिर लाइसीन, इसके ऊपर प्रोटोकोलेजन लाइसीन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम क्रिया करती है, इसको भी विटामिन सी, फेरस आयन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हाइड्रोक्सी लाइसीन बनता है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसीन परिपक्व कोलेजन में बनते हैं और तभी कोलेजन अपना कार्य कर पाता है, इसलिए ये कोलेजन के संश्लेषण के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी की आवश्यकता फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की सक्रियता बनाए रखने के लिए होती है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के संश्लेषण के लिए होती है। फिर इसका विटामिन सी का कार्य ट्रिप्टोफैन चयापचय में भी होता है, क्योंकि विटामिन सी की उपस्थिति में ही सेरोटोनिन का निर्माण हो पाता है। ये टायरोसिन चयापचय में भी आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन सी की उपस्थिति में ही होमोजेनेटिक अम्ल वाली क्रिया हो पाती है, जिससे होमोजेनेटिक अम्ल बनता है। ये सक्रिय फोलेट के निर्माण के लिए भी आवश्यक है, अर्थात टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसमें जो इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो ठीक से उसका निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण से जो रक्त की कैपिलरीज है वो बहुत फ्रजाइल हो जाती है और जरा से दाब में वो फट जाती है और वहाँ से रक्तस्राव होने लगता है, हेमरेज होने लगता है। इस कारण से और इसके अतिरिक्त उन कोई भी चोट यदि लग जाती है तो वो शीघ्रता से घाव भर नहीं पाता है, क्योंकि कोलेजन का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। दांतों का डेंटिन ठीक से नहीं बन पाता है बच्चों में, और इस कारण से दांत कमज़ोर होते हैं। मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हड्डियों का जो ऑस्टियोइड है वो ठीक से नहीं बन पाता है और हड्डियाँ निर्बल होती हैं। अनीमिया उत्पन्न हो जाता है और ये अनीमिया हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक टाइप का होता है।